शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आए दिन शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। शुक्रवार को भी शहर में 16 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 937 पर पहुंच चुकी है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हर रोज बड़ी संख्या में नए मरीज मिलने से नागरिकों में चिंता का माहौल है। गुरुवार को शहर में 58 संक्रमित मरीज मिले थे और आंकड़ा 921 पर पहुंचा था। इसके बाद शहर में शुक्रवार को नए 16 मामले सामने आए हैं। इसमें एमएलए हॉस्टल में क्वारंटाइन किए गए मोमिनपुरा, सावनेर और बांग्लादेश से 3 मरीज है। वहीं हबीबनगर, टेका, निकालस मंदिर क्षेत्र के 1 मरीज, चंद्रमणि नगर के 2 मरीज, सिद्धार्थ नगर कोराड़ी का 1 मरीज संक्रमित पाया गया है। तो 3 मरीज प्राइवेट लैब से कोरोना संक्रमित पाए गए तो 2 मरीज एम्स के लैब से संक्रमित आए हैं। साथ ही 1 और मरीज मोमिनपुरा से भी संक्रमित पाया गया। इन सभी के सैंपल में अस्पताल के लैब, एम्स के लैब और प्राइवेट लैब से पॉजिटिव आए हैं। वहीं अमरावती निवासी 1 मरीज के निजी लैब में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह मरीज शहर में एक अस्पताल में भर्ती था। इसके अलावा अकोला के 1 मरीज की रिपोर्ट भी मेडिकल अस्पताल में पॉजिटिव आई है। वह 1 मरीज भोईपुरा बजरिया का है। शहर में अब तक कुल मरीजों की संख्या 937 तक पहुँच गई है। आए दिन उपराजधानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। उसी तरह आज शुक्रवार को भी कई मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। उसी के चलते चंद्रमणि नगर से भी कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, उसमें से भी कई लोग जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 933 पर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन ब दिन कई घंटों में बढ़ते जा रहा है, उसी के चलते यह आंकड़ा और भी बढ़ने की संभावना है। और उसी से जो है प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है और लोगों में भी बड़ी चिंता का वातावरण दिखाई दिया है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।